सत्ताधारी बीआरएस विरुद्ध कांग्रेस अशी थेट लढत असलेल्या तेलंगणामध्ये मतमोजणीला पुढच्या काही मिनिटांमध्ये सुरुवात होईल, त्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे। या क्षणी मी हैदराबाद मधल्या ज्युबिल हिल्स या मतदारसंघातल्या मतमोजणी केंद्राबाहेर आहे। इथल्या कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम मध्ये ही मतमोजणी होते आणि त्यासाठी असलेला हा बंदोबस्त आपण पाहतो आहोत। ठिकठिकाणी अर्थात बॅरिकेडिंग करण्यात आलेला आहे। प्रत्येक मतदार संघाची मतमोजणी ही वेगवेगळ्या ठिकाणी होते आणि प्रत्येक मतदार संघावरती असाच बंदोबस्त मतमोजणी केंद्रावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय। कार्यकर्ते जे या ठिकाणी काउंटिंग एजंट म्हणून आलेले आहेत त्यांच्याकडे आयकार्ड असेल तरच त्यांना आत सोडलं जाते, अर्थात जी म्हणजे निवडणूक आयोगाने जी नियमावली घालून दिलेली आहे त्याचं पालन या ठिकाणी करावं लागतंय। तेलंगणातली निवडणूक ही यावेळी वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ठरली आहे। त्याचं कारण म्हणजे जसं आज चार राज्यांमधली मतमोजणी होत असताना तेलंगणामध्ये मात्र थोडंसं वेगळ्या अर्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण ही निवडणूक म्हणता येईल। त्याचं कारण इतर राज्यांमध्ये भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत आहे, मात्र तेलंगणामध्ये KCR म्हणजे के चंद्रशेखर राव यांचा BRS विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत आहे। आणि यावेळी इथे सत्तांतर होणार काय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे, कारण गेली 10 वर्षे या ठिकाणी KCR सत्तेमध्ये आहेत आणि त्यांच्या सत्तेला काँग्रेसनं मोठ्या ताकदीनं आव्हान दिलेलं आहे। अगदी सोनिया गांधींपासून तर राहुल गांधी आणि इतर राज्यांमधले अनेक नेते या ठिकाणी तळ ठोकून होते। त्यांनी खूप ताकदीनं प्रचार केला, मोठं शक्ती प्रदर्शन केलं आणि त्याचं फळ त्यांना मिळणार का याबद्दल उत्सुकता आहे। नवीन चेहरा काँग्रेसकडून ये रेवंत रेड्डी हा या ठिकाणी आक्रमक चेहरा म्हणून निवडणुकीमध्ये उतरवला गेला, जो कदाचित तर काँग्रेसला बहुमत मिळालं तर भावी मुख्यमंत्री असू शकतो असं बोललं जात आहे। तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती KCR यांचा भारत राष्ट्र समिती विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत होत असताना कार्यकर्त्यांना आता काय वाटतंय याबद्दल देखील आपण जाणून घ्यायला आवडेल। म्हणजे सर नमस्ते, हम Z24 मराठी चॅनल के लिए काम करते, पुणे से आए, क्या वातावरण है बताए, आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से हूँ, इलेक्शन एजेंट। हमारा तेलंगाना में जुबली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है 61, हम जीत रहे यहाँ पे जुबली में जुबली हिल्स में सारे भारत का लक्ष्य लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है अभी, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना में बोला जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेस BRS इस तरह की लड़ाई है? ऐसा कुछ भी बात नहीं है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है अजहरुद्दीन वो इसी उनके ऊपर बहुत स्कैम्स है और BRS कैंडिडेट रोडी है, हमारा BJP कैंडिडेट नीट है, एक केस भी नहीं है, इसलिए पब्लिक को मालूम है जो कैंडिडेट अच्छा है उनको डाल दिए। पूरे तेलंगाना में क्या होगा आपको लगता है? जो आप क्रिकेटर बोले ना सर, क्रिकेटर जाके इंडिया में खेलो बोलो, उससे वाइस का जैसा हजारों लोग को बना बोलो, क्रिकेट को ये पॉलिटिकल को संबंध नहीं है, उन्हें एक बार भी इधर आया नहीं, किसको क्रिकेटर बोल के मालूम है, पॉलिटिकल लीडर बोल के किसको नहीं मालूम। यहाँ जुबलीस में मोदी करे सो बहुत अच्छा है, देश के लिए क्या कर रहा है बहुत सोच रहे। अब जुबलीस में लंका दीपक रेड्डी इन हो रहा, हम जीत रहे, अब जुबली जी के गड्ढे पे BJP झंडा एग्रेस सब मैम। KCR के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने जो TRS जो थी वो BRS बनाई और दिल्ली का लक्ष्य रखा हुआ है उन्होंने, KCR के बारे में उनकी राजनीति कैसी रहेगी आगे वाली? KCR जी ने कुछ भी नहीं करी पिछले 10 सालों में, क्योंकि KCR जी को भरोसा करने का माहौल चले गया। अब जो भी है तेलंगाना में खाली BJP चल रहा, मोदी जी जो काम करे मोदी जी के साथ है, तेलंगाना में जो भी है जुबली हिल्स में भी भारतीय जनता पार्टी कैसा भी जीतता है, इधर KCR साहब ने कुछ भी नहीं करे, जो बोले वो कुछ भी नहीं करे, तेलंगाना में 10 साल हुआ, 10 साल के बाद फार्म हाउस में चले जाते KCR। कांग्रेस यहाँ पे जीत के आएगी इस तरह के एग्जिट पोल आए हुए, क्या कहेंगे उसके ऊपर? मेरा नाम इदलकंडी राजेश, इरगड्डा मंडल अध्यक्ष हूँ BJP के तरफ से। आप जो बोल रहे ना कांग्रेस 50 साल से क्या करा, पूरा देश देखा, हमारा राष्ट्र देखा, इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी जो मोदी साहब जो डिक्लेयर करे BCCM, आज तक कौन सा पार्टी डिक्लेयर नहीं करा, हमारा राष्ट्र में कभी भी रेड्डी लोग परिपाल करे, इसलिए हम बहुत आशा से हमारा तेलंगाना प्रजल जो है वो BC का CM को चुन के आएंगे। BC वो जिन्हें यहाँ वो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी पूर्व स्पष्ट मेजॉरिटी से तेलंगाना में हम काशा एजेंडम
निकालेंगे और जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरह से म्हणजे आता आपण पाहतो की हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी मतमोजणी केंद्रामध्ये जात आहेत आणि प्रत्येकाला असा विश्वास आहे की आपलाच पक्ष हा बहुमताने या ठिकाणी जिंकून येईल। बघूयात दुपारपर्यंत चित्र स्पष्ट होणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन थांबोरसह अरुण मेहत्रे, झी मीडिया, हैदराबाद। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे